और मैं तो जो भी आशु को पसंद करती हो, जिसे शादी करना चाहती हो, आके मुझे मिलो। सपने मत गाली क्या आती है, गाली क्या आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार टॉक्स। तो आज हमारे पास दो मेहमान हैं, एक मम्मी जी और एक बहन जी। बहन जी मैं बहन जी नहीं, बहन जी है, बहन जी हमारे साथ। नो, बहन जी नहीं, भेंजा। तो आज फिलहाल तो हम जा रहे हैं मंदिर खाटू श्याम बाबा के, नॉट राजस्थान वाले बट बैंगलोर में भी एक है तो वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे ही सोचा कि अपने पास टाइम है तो हम कार टॉक्स ही ना कर लें घर वालों के साथ। तो टॉपिक तो ऐसे कुछ है नहीं, हम ऐसे बात करते जाएंगे। कार मत हिला, मैं स्नैप ले रही हूं। देखो भाई, इन लोगों के नखरे ऐसे ही कि स्नैप वगैरह लेने हैं, क्या कर सकते हैं। मम्मी बताएगी हमारे बचपन के बारे में, बताऊं भी? बचपन में हम बहुत क्यूट थे, शैतान नंबर वन। आशु शैतान ज्यादा, कभी आटा गिरा देना, कभी पाउडर गिरा देना, कभी किसका सर फोड़ के आ जाता था भाई, कभी सॉस की बोतल तोड़ के ऐसे भाग जाना जैसे मैंने देखा ही नहीं, और फिर सो जाना अलमारी बंद करके। अलमारी में सो जाता था? अलमारी में सो जाता था ये कभी भी, और हम ढूंढते थे पूरा लेआउट में। और मेरी बात बताओ, जो मैं एक लड़के को लेके भाग गई थी मैं बचपन में एक लड़के को लेके भाग गई। एक सेकंड, प्रेरणा जब छोटी सी थी, करीब 2 साल की, हमारे बिल्डिंग में एक छोटा सा लड़का रहने के लिए, तो वो भी करीब 2 साल का ही था। तो इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ में ही रहते थे, कभी भी जब देखो साथ में ही रहते थे। तो ये दोनों बातें करते करते खेलते करते किसी की नई बिल्डिंग बनी थी उसमें जाके चढ़ गए ऊपर वाले माले में, और हमको इसको आवाज लगा के पूरे लेआउट में ढूंढ लिया, हमको नहीं मिले। सभी लोग बिल्डिंग वाले निकल पड़े इन दोनों को ढूंढने के लिए, पर ये लोग नहीं मिले। बाद में इसको मैंने पायल पहनाई थी तो उसकी आवाज़ मेरे को लग रही थी कहीं ये है लड़की, तो फिर मैंने इसको आवाज़ लगाया। प्रेरणा बहुत बार चिल्लाई, तो ये अपनी इसकी आवाज़ सुन के, पायल की आवाज़ सुन के, फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर वाले माले में बैठी थी, नीचे पाँव करके, ग्रिल के नीचे पाँव करके मैं भगा के ले के जा चुकी थी उस लड़की। फिर ये चिल्लाई, मम्मी मैं यहाँ हूँ, धीरे से ले गए ताकि ये गिर ना जाए। वो पायल के कारण पता चला इसका, ये महारानी यहाँ है। तब से इतनी शैतान है, बहुत ज्यादा मिर्च खा के पैदा किया था ना इसे। तो मेरा आशु ठीक है, ये महारानी, इसको नागमणि बोल सकते हम इसको। वैसे ना हमारी कार में सांप घुस गया था, शायद घुसा हुआ है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं प्रेरणा को बोल रही थी, प्रेरणा नाग है, तुम नागिन है, अगर तो इसको आवाज लगाएगी ना 100% भाग के आएगा तेरे पास। सही में वो पता क्या कि इसने आवाज लगाई ना, वो इसके डर के मारे वापस दुबक के अंदर, वो निकला ही नहीं, बोले मेरे से बड़ी नागिन आ गई है, मेरा क्या काम वहां पे, इसीलिए हेड ऑफ स्नेक्स। सांप तो खुद ही है शायद, हो सकता अंदर हो। सबसे ज्यादा शरारती कौन था? मैं की प्रेरणा? ना, प्रेरणा कम थी, तू ज्यादा था। अभी प्रेरणा अम्मा अप्पा घर में रहती थी, इसकी शरारती अम्मा अप्पा ने देखी होंगी, मैंने इसकी शरारती बहुत कम देखी। अभी कंपेयर टू मैं ज्यादा शैतानी हूं या आशु ज्यादा शैतानी? तू भोंकती ज्यादा है कुत्ती दाई, शैतान पता नहीं भोंकती ज्यादा है तेरे को, कुछ थोड़ा सा कुछ बोलो ना तो एक मिनट में हाइपर हो जाती है वो आपकी सही से नहीं पता चलता तेरे को बोल क्या रहा, क्या रहे हम लोग, तो उसका उल्टा मीनिंग निकाले कुत्ते की तरह भोंकती है। ओके, आई विल वर्क ऑन इट। ये और सबसे साइलेंट तो मैं ही रहती हूं घर में। ओ रेन दे, सबसे साइलेंट भाई, सबसे ज्यादा वायलेंट यही है। साइलेंट तो एकदम जी नहीं, गलत फहमी है, दिखाऊंगा एक दिन जब गुस्से में रहेगी ना, एकदम सीक्रेटली वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और मेरे को ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा, तो मैंने अपना कैमरा लिया, इन लोगों की जो भी इनकी शरारतें होती थी ना सारी फोटो खींच खींच के भर के रखी मेरे एल्बम में। अभी ज्यादा नाटक करते हैं ना, वो फोटो दिखा देती हूँ कि भाई तुम लोग ये बोलते हो शरारती नहीं थे, देखो भाई मेरे पास प्रूफ है क्या क्या शरारत की तुम लोगों ने, करता हूं फोटोस है ना, क्यूट क्यूट वन, इसलिए रखनी चाहिए सभी की फोटो ताकि बाद में बोल ना सके लोग हमने तो शरारत की नहीं। शरारत तो मैंने की है। एक तरह फनी मोमेंट बताती हूँ। हाँ बताओ। ठीक है, नीचे तू बच्चों के साथ खेलता था, खेलता पानी पीने के लिए तू ऊपर आता था, ठीक है, तेरे को इतना ज्ञान नहीं था, 2-3 साल का तो होगा, तेरे को इतना ज्ञान नहीं था कि पहले पानी पीना चाहिए या बाथरूम करना चाहिए, तो
ऊपर से रहता था और नीचे से तो बाथरूम करते रहता था दो तीन बार ऐसा पकड़ के रखता था कि सुसु ना आए, लेकिन सुसु तो आएगा ही आएगा, जो पहले सुसु करना चाहिए ना, मैंने सुसु नहीं करता था, तो पहले पानी पीता था और सुसु क्या कंट्रोल नहीं करते, तो नीचे उधर ही सुसु किचन में ही सुसु दो तीन बार मैंने नोटिस किया उसके बाद अच्छा पिटाई कि खेल के आने से पहले सुसु करो उसके बाद में पानी पियो इधर फनी मोमेंट था आटा के साथ खेला है तू और जितना जितना तेल मैंने तेरे सर को नहीं पिलाया जितना तूने बेड को पिलाया थोड़ा सा तेरे सर में लगाती थी और वो बोतल का ढक्कन खुला रह जाता था सारा बेड बेड आता था इतनी क्यूट स्माइल करता था ना तेरे को पीट भी नहीं पाती थी मैं दो छोटे छोटे दांत थे वो दिखाता था बस पहली बात तो मैं घर पे कभी रहा हूँ इस पूरे हमारा गोकुल नाम जैसा सोसाइटी था ठीक है वहाँ पे सारे नॉर्थ इंडियन पढ़े थे पंजाबी यूपी वाले सब कास्ट के थे सारे थे ना सब कास्ट के थे मेरे पास तो मैं सबके घर पे रहता था मैं अपने घर पे छोड़ के मैं छोटू सा था ना इसको अच्छे से तैयार करके अच्छी से ड्रेस पहना के काजल वाजल लगा के टीका लगा के और इसके इसको मेरे मतलब जैसे जैसे मैं लगाती थी ना काजल टिक्का हाथ में इधर इधर पूरा लगाती थी ना इसका आदत हो गया जैसे ना लगाऊं उसको लगा के ही भेजना और एक घर वाला कोई भी एक लेके जाता थे 24 घर थे हमारी बिल्डिंग में एक बंदा इसको लेके जाता था और मेरे को किसके घर में मिलता था आवाज़ लगा पूछना पड़ता था कि आशीष किसके घर में है उस घर से उस घर उस घर से उस घर उस घर उस घर घूमता ही रहता था सारे दिन शाम में हमें लेके आना पड़ता था इसको और हर घर का खाना इसने खाया है सबका खाना याद है इसको भी हमने किसी से घर का खाना खाया जैसे तारक मेहता में टप्पू नहीं है ये उस बिल्डिंग का टप्पू ये था सेम टू सेम स्टोरी शैतानी में नंबर वन खाने पीने में नंबर वन वैसे क्रिकेट थोड़ा कम खेलता था वैसे क्रिकेट इतना पसंद नहीं जो साइकिलिंग ज़्यादा पसंद थी मैं साइकिल का बताता हूँ एक बार मैं होऊंगा कुछ फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में होऊंगा साइकिल में निकाल रहा था हमारे तो ऐसे थोड़ा नीचे अंदर है जैसे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं ना वैसे हम निकलते हैं तो मैं एकदम उस टाइम पे क्रिश मूवी वगैरह फेमस थी तो एकदम मेरा भी ऐसे जोश चढ़ा था मैं भी क्रिश हूँ मैं साइकिल पे बैठा मैंने उड़ाई साइकिल ऐसे बाहर वो एक बाहर उसने उड़ाई सामने नाली में जाके गिर गया सामने नाली भी है वहाँ पे छोटी सी वहाँ पे जाके साइकिल फट मेरे जो दोस्त लोग आए रोड वाले इतने हंसे भाई मैं फिर साइकिल वाइकल छोड़ के मैं घर भाग गया मैं साइकिल पता नहीं कौन लेके आके रखा वापस तो मैं जब जब गिरता था तब तब पिटाई किया पिटाऊं मैं वो तो सर टूट गया था स्टिचिंग भी आई थी लेकिन जितना सर टूटा था उतनी मेरे से मारी पड़ी थी ये हमारे घर वाले प्यार नहीं देते भाई मार खाने के बाद पहले पीटो बाद में देखा जाए घर वाले नहीं पूरी दुनिया ऐसी है पहले अपने गिरो चोट खाओ उसके बाद मम्मी पापा की मार खाओ उससे उनका पता चलता है मां-बाप कितना प्यार करते हैं इनको चोट लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है वो तकलीफ अंदर में ना ले गए इनको ठोक ठोक के ठोक ठोक के मैं एक बारी गांव में किसी मामा का घर बन रहा था तो वहाँ पे मैं चढ़ गया फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनी थी अभी तक तो फ्लैट था वो बन रहा था हम चढ़ गए मेरे को उतरना आया नहीं मैं उतरने की कोशिश कर रहा था ऐसे बैठ बैठ के तो मैं लुढ़क गया मेरे हाथ दोनों हाथों में और दोनों पैर में खून आने लगा मेरा भाई है वो गया मम्मी को बुला के लाया मम्मी पहले ये नहीं कि कितना खून आ रहा कितना छोटा पहले तो दो रैप्टे लगाए मैं और चढ़ेगा ऊपर और चढ़ेगा फिर मामा थे नहीं मामा कहीं गए थे तो दूसरे मामा डॉक्टर थे उनके यहाँ फिर लेके गए फिर पट्टी कराई और मम्मी चालाक बहुत है ठीक है तो हम मामा के घर पे एक दो महीना रुकते थे ना समर वेकेशन में तो पापा आने वाले थे शाम में तो सुबह मम्मी क्या कि खेत में लेगी मैं मेरे पट्टी चढ़ी हुई है पूरा तो खेत में लेके जाके वहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा था पानी दे रहे थे खेत में मेरे को वहाँ पे डुबा दिया तो मेरी सारी पट्टी निकल गई जब तक पापा है पापा को पता भी नहीं चला मेरे को चोट लगी हुई है कि नहीं मेरी माँ बहुत शातिर है भाई ताकि पापा डांटेंगे कैसे पापा को पता भी नहीं था मेरे को चोट लगी ऐसा हो सकता तेरे पापा मुझे डांटे तो नहीं पर आपने किया ना लिखा है किया ना जल्दबाजी ये दोनों भिड़ने वाले थे अभी भाई साहब अभी ऐसे लुढ़क जाती है सर इतना क्या अर्जेंट ये लोगों भाई साहब दो मिनट
भाई साहब मैं डर गया, शेर मैं डर गया भाई, सही में मैं डर गया। मेरे तो अभी भी धक धक हो रहा है भाई, खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा। कहाँ लिफ्ट लेना है, मैप तो खोल दे, बंद करके बैठ जाती है। इसको फोन नहीं दिलाना चाहिए था यार, पता नहीं क्यों। अच्छा है अपने रूम में पड़ी रहती है, हमारा खून भी थी। दो दो मिनट में, दो मिनट में नहीं, एक एक मिनट में। इसको नहीं झेल सकते हम, किसी को भी झेल लूंगा इसको नहीं झेल पाएंगे। जो प्रेरणा की किस्मत में लड़का होगा उसकी किस्मत कितनी फूटी हुई होगी, इस नागमणि को झेलेगा। मुझे तो उसके बारे में टेंशन हो रही है। लकी होगा भाई, हमें तो मेरी जैसी हमें तो दो तीन साल झेलना भाई, झेल लेंगे जैसे भी, पेट बांट के बर्दाश्त करेगा। अरे छोटा, मेरे को लगता है तेरे पति के लिए मुझे व्रत करना पड़ेगा ताकि तुझे सहन कर पाए बंदा। ऐसा कुछ नहीं है, और तेरे को करना पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों करूँगी, ताकि तेरे को मिले तेरे को बेचारा सहन करने वाला बंदा। गाँव में तो मैंने बहुत मस्ती किया, हद से ज्यादा मस्ती किया। ये बाप का दीवाना है और बाप इसका दीवाना है। बाप इसका दीवाना है, सही बात है। बाप का दीवाना हूँ, अभी मेरे ये सिर में मार देखो ये आया है। एक बार पता है पापा के साथ जा रहे थे ना, और इसको पापा के साथ जाना था, तो इसके पापा क्या किए, इसको गेट के अंदर भेज दिया कि तू घर के अंदर हो, मैं जा रहा हूँ। उस गेट को खोल के ऐसा भाग रहा था ये, गेट से खुला नहीं, पूरा सीधा माथी मार के इसको लगा। अभी तक निशान मेन गेट का कोना होता है ना, कोना गेट का कोना इसको लगा, तो ऐसे टेढ़ा निशान अभी भी है पूरा घूम से लग गया। पापा के साथ चलना, पापा के साथ चलना। मजे तो मैंने बहुत किए भाई, प्रेरणा नहीं की इतनी मेरे तो। ये तो इसका प्रेरणा बुक की दीवानी थी, प्रेरणा पढ़ाई करती थी। प्रेरणा क्या थी, बुक ले लिया, पेन पेंसिल ले लिया, अपना समर में दुपट्टे की साड़ी पहन ली, दो चार बच्चों को बिठा लिया, उनको ट्यूशन देती थी छोटे बच्चों को। बच्चों भी नहीं, पहले खुद ऐसे समझ जैसे मैं बहुत बड़ी टीचर हूँ, खुद बच्ची थी। बच्चों भी नहीं, पहले गुड्डों को, डॉल्स को रख के सिखाती थी, उनको साड़ियाँ पहनाती थी, उनको साड़ियाँ पहनाती थी। मेरे बेबी, मेरे बच्चा, मम्मा खाना, मम्मा खाना बना रही है, मैं सोना मत, शैतानी मत करना। दो तीन साल की थी तभी, तभी क्या आदत है इसकी, मम्मा कपड़ा धोने जा रही है, तुम बेड से मत गिर जाना, ऐसे शिक्षा देते छोटे बच्चों को। दो साल की बच्ची थी, तीन साल की बच्ची थी उस टाइम में ये। इसके तो याद है, वो सारा दिन मेरे दुपट्टे मैं फोल्ड कर रखती, और ये महारानी साड़ी पहन पहन के फेंकती रहती, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, सारे दुपट्टा उस तरह से करती थी। मेरे एक बार दीपू का सिर लग गया था मेरे वजह से, अपने घर में दीपू और चाचे आए थे, तो छोटू सा तो था दीपू, इतना सा गोलू सा, तो मैं उसको खिला रहा था गोदी में। तो बाहर जो अपने धनलक्ष्मी बिल्डिंग बाहर वहाँ बैठे थे उस पे बेड पे, तो उसने सुसु कर दिया, फेंक दिया था। हाँ मेरे पे सुसु कर दिया, मैं गीला गीला क्या होगा भाई, मेरे पैंट में मैं देखा नहीं, बच्चा है इसको ऐसे पटक दिया मैंने, उसको दीवार लगा, सिर लगा उसको जाकर, वो रो रहा है। फिर चाची मम्मी क्या होगा, मेरे को पता नहीं क्या करना है, मैं दीदी का वापस छोटा, मैं भी छोटा ही था ना तभी, कितना ही 4 साल छोटा था ना वो। मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है पंकज से, सबसे ज़्यादा। मामा का बेटा है पंकज, खतरनाक लड़ाई होती थी उससे पंकज। हाँ तो पंकज का तो ऐसे ही था कि ऐसे ही छेड़ता रहता था उसको, ऐसे ही रैंडम, कोई ये नहीं था कि भाई दुश्मनी है उससे। बच्चे बच्चे थे, आपस में खेलते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। वो बोला था मम्मी बुआ कब जाएगी, ये आशा मेरे को परेशान करते रहते, बुआ कब जाएगी। ये कितने खतरनाक हुआ है, सारे डरते हैं वहाँ पे। बच्चे चाय पीना छोड़ देते थे, मैं तो चाय चला चाय मैंने, जैसे उनको पता चला कि मैं आज आ रही हूँ, चाय डाल के भी देते थे उनको, तो चाय को टच नहीं करते थे वो लोग, बुआ मारेगी। हिटलर दीदी,
हाँ हिटलर दीदी भी बोलते हैं। अशोक मामा ने मेरा नाम हिटलर दीदी रखा था, जब सीरियल आया था ना हिटलर दीदी वाला, तो अशोक मामा ने मेरा नाम हिटलर दीदी रखा था, उन्होंने फोन में भी वही ऐड किया था। प्रतीक्षा इतना नहीं शरत स्थान करती थी मामा के घर में, मजा आता क्योंकि वहाँ पे एक पेड़ था बहुत बड़ा सारा, वहाँ पे झूला लगाए रखते थे, मैं बस झूले के लिए जाता था। दादी के घर पे था ना झूला, था दादी के घर में पूरा ग्राउंड था, वहाँ पे मैं मिट्टी में खेलता था। मिट्टी क्या करता था, सबसे पहले तो मैं नाली ब्लॉक, सबसे ज्यादा नाली ब्लॉक, मैं मिट्टी भर देता था नाली पे, पूरा पूरे गाँव का नाली ब्लॉक बाहर आ जाता था पानी पूरा। चलो आप ये बताओ, आप तीन अच्छी चीजें और तीन बुरी चीजें मेरे और प्रेरणा के बारे में। तीन अच्छी चीजें और तीन बुरी चीजें। तीन बुरी चीजें, अच्छी चीज तो ये, तू तो मेरा कहना एकदम से सुन लेता है, एक बार बोलते हैं तेरी चीजें अच्छी है, बात अच्छी है, प्रेरणा सुन लेगी, हाँ करती हूँ। वो एक मिनट में करने वाली बात काम वो एक घंटे के बाद बोली, बोलो क्या करना है। तो मैं खुद भूल जाऊंगी मैं क्या बोला था इसको, ठीक है। और दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि आजकल मैं पर्स साथ में लेके नहीं चलती, सारा पे आशु करता है, खर्चा सारा खर्चा मतलब आशु करता है, तो मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है। और प्रेरणा की बुरी चीज़ ये है, उसको जितना पैसा हाथ में दो मिनट में खर्च कर दिया, बचाती नहीं एक रुपये भी, ठीक है। और आशु बुरी चीज़ ये है, आशु ने एक लड़की भी अच्छी ढंग की पटानी रखी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी सारी लास्ट जो बच्ची कुची लड़कियाँ होती है ना, वो इसकी किस्मत में होती है, मुझे एक भी पसंद नहीं आती, ठीक है। तो बोल रखा आप ले आओ। हाँ, पर अच्छी चीज़ है कि जो मेरे को बहुत चाहिए वो मैं ही पसंद करके लाती हूँ, अगर ये परमिशन देगा तो। परमिशन क्या है, मैंने तो बोल रखा है पहले। मैं बताऊँ, जो भी आशु को पसंद करती हो, जिसे शादी करना चाहती हो, आके मुझे मिलो, सपने मत देखो, और नहीं तो मैं गाँव जा रही हूँ इसके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, फिर मत बोलना कि आंटी ने मुझे बताया नहीं, सपने मत देखना। सपने देखने का अधिकार सभी को है, प्रेरणा की तो कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं यार, सारी बुरी की बुरी है, इसमें तो कोई गुड क्वालिटी है ही नहीं सारा। एक छोटी सी बात के हम प्यार से बात करते होंगे ना, तो वो बातें हमारे झगड़े पे जाके खत्म होती है। एक अच्छा काम करती है, ये गर्मा गर्म खाना खिला देती है मुझे, एक अच्छा काम उसका, खाना बना ले, अच्छा खाना बना लेती है और अच्छा गरम गरम ला के देती हूँ। बोले खा ले मम्मी, पुत्र मम्मी पुत्र खा ले, गरम गरम खाना बना रखा है। आप मेरे को सजा कैसे देते थे उसके किस्से सिखा, छोटा था बिना भाई, मेरे को खतरनाक खतरनाक सजा मिला है भाई, मम्मी बताएगी मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को थोड़े बहुत तो याद है। ये ना बहुत जिद्दी था, बहुत ज्यादा और जिद्दी था, और ये गालियां देना शुरू कर दिया था, बाहर खेलता त्रोड़ी बच्चों के साथ में, मेरे साथ गाड़ी सीख के आ गया, हर बात पे गाड़ी देनी इसने। तो हम लोग थे सेकंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में जब भी गाड़ी देते ना उसको, ऐसे हाथ से पकड़े नीचे लटका देते थे मैं उसको, और गाड़ी देगा ये डरता था, नहीं दूंगा मम्मी, नहीं दूंगा मम्मी, ऐसे इसको नीचे लटका लटका के मैंने सोच रहा है, मैं इतनी गाड़ियाँ देखता था, अभी नहीं देता गाड़ी दे, नहीं नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, नहीं भी देता। गाड़ी क्या होती है, गाली क्या आती है, क्या होती है? मुझे पता है ना गाली, ठीक है। और एक इसकी गंदी आदत पता क्या थी, खाना खाने बैठता इसको खाना पसंद नहीं आया तुरंत, ऊपर से इसके पापा आ गए तो पहले पापा को खाना खाने नहीं देता, पहले मतलब होटल चले मेरे को खाना खिला के लेके, उसके बाद में खाना खाओ। अग्रवाल जाता था, अग्रवाल डोसा मसाला खुला था, वहाँ पे इडली डोसा सांभर वड़ा ये सब इसको बहुत फेवरेट था, तुरंत पापा को लेके जाना और वहाँ पे अच्छा सा ठूस के आके फिर बाप को घर पे छोड़ना, बताओ। फिर मैं सो जाता, फिर ये या तो सो जाता था या रोड में खेलने चले जाता था, इस इतना जिद्दी था, इतना जिद्दी था, हमारे खानदान में तो कोई लड़का इतना जिद्दी नहीं था जितना ये जिद करता था। हमारे रिश्तेदार तो बोलने लगे थे कि कहाँ से गुंडा बच्चा पैदा हो गया, गुंडा ही नाम पड़ गया, जैसे इसके बाप भी गुंडा ही बोलते थे इसको, जिद छुड़ाने के लिए कभी इसको गरम चाकू लगाती मैं, कभी इसको अंधेरे वाले कमरे में बंद करती मैं, कभी इसको सीढ़ियों से बांध के रखती, लाइट बंद करके सीढ़ियों से बांधती थी इसको, अंधेरे में डर लगता बच्चे को, और कभी इसको ऊपर बिल्डिंग से लटकाती, होठ पे भी मारते थे। हाँ, और गाड़ी देता ना उस टाइम में, इसका ये होठ होता ना ऐसे
लगता है इतना मोटा हो जाता है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ छुड़ाई मैंने इसकी, तो बहुत मुश्किल से।